नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनीता अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल एनर्जीज वन। आज हम ऐसे क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे जो हमारी आत्मा के पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी, क्षमता और रचनात्मकता को जागृत करता है। इसे रायोलाइट क्रिस्टल कहते हैं। ये हमें डीप मेडिटेशन में जाने में मदद करता है, साथ ही हमें अपने आप की खोज में जाने में भी मदद करता है। ये हमारे पास्ट लाइफ को हील करता है, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में मदद करता है और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो हमें प्रेजेंट में पकड़ कर रखता है और पास्ट में भागने नहीं देता है। ये हमारे सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ को एनहांस करता है। रायोलाइट हमें शांति से कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन को डील करने में मदद करता है और साथ ही हमें हमारी शक्ति को शक्ति से अवगत कराता है। इसके कुछ और उपयोग, ये हमारे वेन्स, रैशेस, स्किन डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, एसिमिलेशन ऑफ विटामिन बी, किडनी स्टोन्स एंड हार्डन्ड टिश्यूज को डिसॉल्व करने में मदद करता है। एलिक्सिर फॉर्म में ये हमारे मसल टोन को इम्प्रूव करता है। जिन्हें सोराइसिस की तकलीफ है, उन्हें मैं रायोलाइट के साथ कार्नेलियन क्रिस्टल यूज करने के लिए रेकमेंड करती हूँ। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें ये क्रिस्टल के लिए ऑर्डर कर सकते हैं या दूसरे और क्रिस्टल्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे, एंजॉय, थैंक यू।